सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टपुकड़ा चिकित्सालय विकास कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें विधायक संदीप यादव ने स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक नई बड़ी एम्बुलेंस आधुनिक सुविधाओं से लैस देने की घोषणा की। इसके अलावा विधायक ने चिकित्सा प्रभारी को प्रत्येक 2 माह में एक बार बैठक अवश्य करवाए जाने को निश्चित करने को कहा। सर्जन होने के बाद भी ऑपरेशन न होने की विभाग की कमी बताते हुए डिप्टी CMHO महेश बैरवा को एनेस्थेशन लगवाने को कहा। सरपंच प्रतिनिधि रमेश चंद्र गर्ग को जल्द से जल्द वार्ड निर्माण व मोचरी का पुनर्निर्माण करवाने को कहा, जिसके लिए विधायक कोटे से 10 लाख की राशि करीब 6 माह पहले दे दी गई है। विधायक ने ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी मनोज यादव को CHC पर विशेष ध्यान देने व किसी प्रकार की कोताही न बरतने को कहा। बैठक के दौरान ही सरपंच प्रतिनिधि रमेश चंद्र के नेतृत्व में उप सरपंच व पंचों ने उप तहसील से तहसील में क्रमोन्नत होने पर कार्यालय को कस्बे से बाहर न भेजने का ज्ञापन दिया। हमारे इसकी मीटिंग हुई है और बड़े लंबे टाइम के बाद हुई है। तो सबसे पहला तो यही है कि जो मीटिंग इतने दिनों में हुई है वो गलत है और आगे से पूरा प्रयास रहेगा कि टाइम से मीटिंग हो। 2 महीने में हमारे इसकी मीटिंग होनी चाहिए और साल भर में जाके भी है। कुछ तो कोविड का मामला था, कोविड के चक्कर में बीच में मीटिंग नहीं कर पाए। भाई सारा इमरजेंसी का माहौल था, उस समय बड़ी स्थितियाँ ख़राब थी, पर आगे मैं भरोसा दिलाता हूँ हम इसको प्रॉपर रखेंगे आगे से। दूसरा जो है छोटी मोटी समस्याएं करके बहुत सारी चीज़ें निकल के आई है और वास्तव में टपुकड़ा CHC में अभी बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है और बहुत सारे काम होने यहाँ पर ज़रूरी है। पिछले दिनों एक छोटी एम्बुलेंस मैंने दी थी, छोटी एम्बुलेंस से काम शायद नहीं चल पाएगा। यहाँ पर मरीजों की संख्या बहुत है, OPD खूब सारी है, तो अभी एक नई एम्बुलेंस टपुकड़ा में विद सारे इक्विपमेंट उसमें रहेंगे, सारे उपकरण रहेंगे, उसमें आपके ऑक्सीजन पाइपलाइन है, मॉनिटर है, कार्डियक पेशेंट के लिए भी उसमें सब व्यवस्था है। मतलब तो इमरजेंसी केसेज में मरीज को बाहर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दी है। एक हमारे अभी इसके एक वार्ड की भी घोषणा मैंने MLA कोटे से की थी, जल्दी वार्ड का निर्माण कर दिया जाएगा, ऊपर में हमारे एक दूसरा वार्ड तैयार होगा। साथ ही मोर्चरी का भी सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, उसका भी दोबारा से पूरा रिनोवेशन होगा। इसके अलावा हम सर्जरी का भी प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर टपुकड़ा में छोटे मोटे केसेज में सर्जरी हमारे यहाँ पर होने लग जाए। हमारे यहाँ सर्जन है तो सर्जिकल वार्ड भी हम तैयार करा रहे हैं, जल्दी उसका भी हम व्यवस्था करा लेंगे और आने वाले समय में टपुकड़ा CHC में लोगों को, आम आदमी को, गरीब को सुविधा मिले। इसके लिए सभी व्यवस्था पर शिकायत है, रात को 9 बजे के बाद यहाँ कोई डॉक्टर नहीं होता। देखिए, ये पूरे राजस्थान की ऐसी व्यवस्था है कि रात को डॉक्टर ऑन कॉल ही आता है और इस तरह की अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएं। नर्सिंग स्टाफ रहता है, इनका जो टाइमिंग है वो फिक्स किया हुआ है डॉक्टर्स का। रात को ऑन कॉल डॉक्टर सब हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को छोड़ के बाकी सभी जगह पर ऑन कॉल डॉक्टर्स की व्यवस्था है।